अच्छा, ये आपको यहाँ नज़र आएंगे ऊपर जाने से पहले, ये बच्चों के झूले झूलने की अच्छी जगह है। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा अच्छा सा यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ उधर एक अबियर होगा, वहाँ से हम जाएंगे उधर से होते हैं ये। अच्छा, यहाँ पे गाड़ियाँ भी ये खड़ी हुई हैं, ये इसका राउंड कितने का होता है भाई? तो ये इस तरह से चलता है, ठीक है। ओ हो हो, अच्छा ये टर्न भी होता है। अच्छा, घूम गया ये इस तरह से। ओ गुड, अच्छा है, नया सा है, गोल गोल घूम भी रहा है। कितने साल के बच्चे बैठ सकते हैं इसमें? हाँ ज़्यादा, ठीक है जी। ये भी ज़रा बड़े बच्चों की है क्योंकि ये तेज़ झूला जाता है जी। 2 मिनट्स होते हैं। अच्छा, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस 2 मिनट ही मिलेंगे, ठीक है जी। तो देखिए ये है, बड़ी सी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, बाकी ये जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये तो ये मैं अपनी एक ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ पूरा। ये वही पीका बियर का है जो अंदर का एरिया है ना, तो यहाँ भी टिकट लिया जाता है। और आपको इसकी डिटेल में, अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है, तो आप मेरे चैनल पे पिका बियर नॉर्थ नाजमाबाद की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको टेक्निक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकिन दोस्तों, आज मैं नॉर्थ नाजमाबाद के पिका बियर में आई हूँ। तो इसकी मैंने पहले भी ब्लॉग एक बनाई थी जो कि मैंने अपलोड करी थी, तो ये मैंने जो है यहाँ अंदर की बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे जो लोग देखते हैं तो उनको पता होगा कि यहाँ की मैंने बना ली थी, और ये जो है आउटडोर की मैंने नहीं बनाई थी। तो ये मैं अब बना रही हूँ कंप्लीट। तो ये मैं अब आपको यहाँ दिखाना शुरू करती हूँ कि यहाँ पे ये क्या क्या है। देखिए यहाँ पे वैसे यहाँ पे जाते हैं आप, तो यहाँ छोटे बच्चों का है पिका बियर। देखें, ये इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से टिकट लिया जाता है, ठीक है। और ये यहाँ के अब मैं मालूम करती हूँ, क्योंकि यहाँ के मैंने अपनी पहले वीडियो में नहीं बनाया था। तो बहुत अच्छी सी जगह है, ओपन एरिया है और अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह से है। देखिए ये क्या है, आई थिंक ये कोई राइड है, पूछते हैं अभी। तो व्यूवर्स देखें, ये बुल राइड है। और ये जी, अस्सलाम वालेकुम जी, ये इसका कितना होता है टिकट इसका? मैम 300 है इसका टिकट, और इसका टॉप अप कार्ड बनता है, अंदर से कैश काउंटर है। अच्छा, तो 50 रुपीज़ का कार्ड होता है और 400 का उसमें, 450 का उसमें कैश होता है। अच्छा, और ये कितनी कितना टाइम के लिए दी जाएगी राइड? 2 मिनट 2 मिनट की होगी। और इसमें ये भी होता है ना कि जब तक बच्चा गिरेगा नहीं, अच्छा, जब तक इतना राइड होती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बड़े बच्चों का है फिर तो, है ना? हाँ हाँ, 15 ईयर्स बेबी हो मतलब, तो ठीक है। अगर 15 ईयर्स का है जो इन्होंने आपको बताया ना, तो ये तो मेरा ख्याल है 15 साल से भी ज़्यादा का बच्चा होगा, तो वो जब तक गिरेगा नहीं, जब तक बच्चा गिरेगा नहीं, ये आप इसको चलाते रहेंगे। अच्छा जी, ये बच्चे पर डिपेंड करता है कितनी देर कर सकता है जी। ठीक है जी, शुक्रिया। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक दूसरी राइड है, यहाँ भी आप होते हैं। ये देखिए, ये ट्रेन है, इसका भी मैं अभी पूछती हूँ इसका कितना टिकट होता है जी। अच्छा, आप ही बताएंगे इसका टिकट कितने का होता है? जी 250 का, 250 रुपीज़ का इसका टिकट होता है। और इसके क्या टाइमिंग्स होते हैं जी? 2 मिनट्स होते हैं। अच्छा, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस 2 मिनट ही मिलेंगे, ठीक है जी। तो देखिए ये है, बड़ी सी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, बाकी ये जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये तो
ये मैं अपनी एक ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ पूरा। ये वही पीका बियर का है जो अंदर का एरिया है ना, तो यहाँ भी टिकट लिया जाता है। और आपको इसकी डिटेल में अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे पिका बियर नॉर्थ नाजमाबाद की वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें आपको टिकट और हर चीज़ का आपको उसमें मेंशन कर दिया जाएगा जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो जी बेटा, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, नाम क्या? ब्लॉग विद हिना फातिमा। ओके, सब्सक्राइब, ठीक है। अच्छा इधर आइए, आपको यहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हैं जी? अच्छा, कौन कौन सी राइड्स पे बैठे आप? अभी हम बैठेंगे, अभी बैठेंगे, बैठेंगे वो वाली पे बैठेंगे, वो जो बुल राइड्स है। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ आए हैं, तो चलें देखें। ये एक बच्चा जो है, मैंने इससे पूछ के बताया कि अभी वो बुल राइड पे ये बैठ सकता है। खैर देखिए, ये यहाँ से यूँ नज़र आ रहा है, ठीक है। तुम किस पे बैठ रहे हो? मैं तुम्हारी बनाऊँगी फिर। उस पे बुल पे बैठ रहे हो? बुल पे बैठ रहे हो? नहीं, मेरा नाम क्या? चैनल का नाम हाँ। चले जी, ठीक है, ब्लर कर दिएगा। हाँ अच्छा, अब चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये है स्पेसशिप, ठीक है। ये देखते हैं अभी यहाँ कैसी राइड्स है। ओके, अच्छा ये वही है जो पिका बियर मैंने अपनी ब्लॉग में बनाया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ से नज़र आ रहा है, लेकिन इसका मैंने पूरा बनाया हुआ है। मेरे चैनल पे इसकी ब्लॉग अपलोड हुई हुई है, तो ये सब मैंने उसमें डिटेल में दिखाया है। जब अनाया एंड शीज़ा को हम यहाँ लेकर आए थे, तो देखिए ये सब हमने यहाँ पे ये सब दिखाया था मैंने, ठीक है। तो देखिए ये है स्पेसशिप। चलें तो इसका भी मैं आपको रेंट का बताती हूँ, इसके रेंट कितना है जी। आप हैं यहाँ पे जी? अस्सलाम वालेकुम। इसका कितना है टिकट? इसका मैडम 200 एक बच्चे कराएंगे। अच्छा, और कितना टाइम दे इसमें राइड होती दो है? दो मिनट्स की आप राइड देंगे, ठीक है जी। तो इसका भी जो है 2 मिनट का है, और वही टिकट उतना ही है, ठीक है जी। अच्छा थैंक यू। तो चलें अब आगे बढ़ती हूँ मैं। अब यहाँ पे एक लास्ट राइड और रहती है, तो अब ये देखिए एक लास्ट रह गई है। इसका भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसके कितने क्या हैं। ये आई थिंक यूँ घूमता आया ये, देखिए। अच्छा इसके क्या है टिकट? ₹200 अच्छा, ये भी वही हाँ 2 मिनट की राइड मिलेगी, और टिकट की प्राइस वही है, ठीक है जी। ये भी ज़रा बड़े बच्चों की है, क्योंकि ये तेज़ झूला जाता है। अच्छा ये इनके यहाँ पे स्टॉल्स हैं, लेकिन ये अभी बंद हुए हुए हैं ना, बस दिखा देती हूँ मैं आपको, हो सकता है ये स्टार्ट हो जाए। तो देखिए ये एरिया है पूरा, ये ऊपर से नज़र आ रहा है इस तरह। हम लोग एक्सीलेटर से ऊपर आए थे, तो देखिए ये मैंने स्पेशली इनसे रिक्वेस्ट करके चला था और दिखाया। अभी कोई राइड्स हो नहीं रही, लेकिन ये चला के दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से चलता है जी। ये देखिए, ओहो, ये देखिए, तो ये इस तरह से चलता है, ठीक है। ओहो हो, अच्छा ये टर्न भी होता है। अच्छा घूम गया ये इस तरह से, ओ गुड, अच्छा है, नया सा है, गोल गोल घूम भी रहा है। कितने साल के बच्चे बैठ सकते हैं इसमें? हाँ ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा है, हाँ छोटे भी बैठ सकते हैं, नॉर्मल है, ज़्यादा स्पीड नहीं है।
ये देखिए इस तरह से है, अच्छा है। तो देखिए ये भी मैं स्टार्ट करवा रही हूँ, ये देखिए ये इस तरह से चलेगा, वो ज़्यादा फास्ट नहीं है, ये भी स्लो ही है ना, छोटे बच्चों का है। ये देखिए ये इस तरह से चल रहा है। ओके जी, थैंक यू। क्योंकि अभी हमारी बच्ची छोटी है, वो नहीं बैठ सकती अभी इसमें। तो व्यूअर्स देखिए, मैं ये भी चलवा के दिखा रही हूँ कि ये कैसे चलेगा। ये देखिए, ये देखिए स्टार्ट हो गया है, 1 2 3 स्टार्ट। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हो रहा है। तो इसमें कितने, 10 बच्चे तो बैठ सकते हैं ना, है 12। अच्छा 12 बच्चे यूँ बैठेंगे इसमें, जो कि ये देखें राउंड राउंड हो रहा है ये। अच्छा है, मज़ा आएगा बच्चों को उसमें भी। बस ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा अब मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ, तो वो तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ज़रा बड़े बच्चों का है, देखते हैं करता क्या है ये। चलिए जी स्टार्ट करिएगा ज़रा। ये देखें ये स्टार्ट हो गया। ओए ये तो बड़ी बहुत ख़तरनाक है भाई, ये तो बड़े बच्चे ही बैठ सकते हैं इसमें, है ना। और बड़े बच्चे भी ज़रा ब्रेव हों, थोड़े स्मार्ट हों, बहुत तेज़ तेज़ घूम रहा है। चलिए जी थैंक यू। तो देखा आपने, अगर आप में हिम्मत है तो इस पर बैठिएगा। और इन्होंने ये बताया था इसके बारे में कि जितनी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर इसके ऊपर बैठ सकते हैं। तो घूमता बहुत तेज़ तेज़ है ये। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग का अब एंड कर रही हूँ। तो ये मैंने आपको, ये जो आउटडोर थे सारे मैंने आपको तफसील से दिखा दिए हैं और चलवा कर भी दिखा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी व्लॉग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।